भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ भिलाई जिला की परिचयात्मक बैठक आगामी आयोजनों को लेकर संपन्न हुई। बैठक में 15 फरवरी को शहर के बुजुर्गों को डोंगरगढ़ माँ बम्बलेश्वरी मंदिर का दर्शन कराने, प्रकोष्ठ से शहर के व्यापारियों को जोड़ने रूपरेखा तैयार की गई। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की बैठक प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य छोटू चावला, प्रकोष्ठ के भिलाई जिला संयोजक मधु शाह की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में शहर के विभिन्न मंडलों से आए व्यापार प्रकोष्ठ के सदस्य शामिल हुए। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने, 15 फरवरी को शहर के बुजुर्गों को डोंगरगढ़ में माँ बम्बलेश्वरी का दर्शन कराने, दुर्ग जिले में संपन्न हुए नगरी निकाय चुनाव में जीत कर आए भाजपा पार्षदों का सम्मान करने विचार विमर्श कर रूपरेखा तैयार की गई। बैठक की जानकारी प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य छोटू चावला और भिलाई जिला संयोजक मधु शाह ने दी। आज भिलाई जिले की बैठक जिला अध्यक्ष मधु शाह के नेतृत्व में रखी गई है, जिसमें हमारे पूरे कार्यकारिणी के सदस्यों को आज बुलाया गया, जिसमें हम लोग ने विभिन्न प्रकार के समस्याओं और मुद्दों को लेकर और हमारे होने वाले आने वाले माह में कार्यक्रम के रूपरेखा को तय करने के लिए बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे द्वारा 15 फरवरी को माता की यात्रा माँ बम्बलेश्वरी मंदिर बुजुर्गों को लेके जा रहे हैं, जिसमें हमारे तरफ से व्यापारी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कम से कम 20 वाहन का एक काफिला माता के दर्शन के लिए जाएगा। और इसके बाद 23 फरवरी को हम लोग के व्यापार प्रकोष्ठ के माध्यम से जीते हुए समस्त चारों नगरीय निकाय के पार्षदों का सम्मान कार्यक्रम रखा गया, उससे संबंधित चर्चा के लिए यहाँ पूरी कार्यकारिणी को बुलाया गया। और व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा जो भी समस्या व्यापारियों को आ रही है, चाहे वो बैंक से संबंधित हो या GST से संबंधित हो या किसी भी प्रकार की समस्या है, वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर यहाँ चर्चा की जा रही है कि व्यापारी प्रकोष्ठ आने वाले समय में व्यापार और आम जनताओं की समस्याओं और भिलाई को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, चाहे वो बैंक की लड़ाई हो, जैसे अभी हम लोग ने क्रेडिट कार्ड की लड़ाई लड़ी जिसमें लोगों के साथ बहुत ही धोखाधड़ी की गई और लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिला, उसके बाद भी क्रेडिट कार्ड का पैसा काटा गया, जिसका ज्ञापन हमारे द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय जी को दिया गया और तत्काल प्रभाव से उन्होंने कार्रवाई करते हुए 13 फरवरी से 20 फरवरी तक क्रेडिट कार्ड का कैंप लगाया जा रहा है, जो कि सराहनीय है। माननीय कलेक्टर साहब का हम धन्यवाद देते हैं और आने वाले समय में हमारी कार्यकारिणी भिलाई जिले में होने वाले हर भ्रष्टाचार का कड़े शब्दों में मुकाबला करेगी और उसका जवाब देगी, और इसी संघर्ष को लेकर आज हमारी कार्यकारिणी की बैठक रखी गई। आज यहाँ पर व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा रचनात्मक बैठक रखा गया, जिसमें आगे कार्यक्रम को लेकर और पार्टी को नए सदस्यों को जोड़ने पर चर्चा की जा रही है। तो चाय पे चर्चा की बोल लीजिए, और व्यापारियों को जो समस्या पे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और कुछ धार्मिक कार्य भी शुरू कर रहे हैं हम लोग, जैसे माता की यात्रा, और कुछ मुद्दे हैं पब्लिक के उसको भी उठा रहे हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड है, बैंक लोन है इत्यादि, इसी पे चर्चा के लिए आज बैठक बुलाई गई है। धन्यवाद। बहरहाल बैठक में जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई, विशेषकर बैंक की कार्यप्रणाली को लेकर सदस्यों ने अपने विचार रखे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।